दोस्तों नमस्कार, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए महत्वपूर्ण मिक्स प्रश्नों की सीरीज लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये मिक्स प्रश्नों की सीरीज संख्या 25 है। इससे पहले मिक्स प्रश्नों की 24 सीरीज हम अपलोड कर चुके हैं। मिक्स क्वेश्चन सीरीज नाम से प्लेलिस्ट में आपको वो सभी वीडियो भी मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक उन पहले वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर उन 24 पहले वीडियो को भी ज़रूर देखें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक सीरीज में 25 प्रश्न होते हैं, तो अब तक की 24 सीरीज में हम कुल 600 प्रश्न अपलोड कर चुके हैं। आज की अपने इस सीरीज में भी 25 प्रश्न होंगे, जो प्रश्न संख्या 601 से लेकर 625 तक आपको इसमें मिलेंगे। दोस्तों बहुत अच्छे प्रश्न है, सभी प्रश्नों को आप लास्ट तक जरूर देखें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा ऐसी उम्मीद है। दोस्तों अगर प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर करें। अगर क्वेश्चन के एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए दोस्तों प्रश्नों से शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 601 अपनी स्क्रीन पर अपने सामने है कि फुल लोड पर एक ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस का मान 1600 वाट है, 75% लोड पर कॉपर लॉस का मान क्या होगा। दोस्तों ये प्रश्न मैं पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस तरह के प्रश्न, लेकिन बार बार आप लोगों के द्वारा व्हाट्सएप पर ये इस तरह के मैसेज भेजे गए तो ये प्रश्न मैंने फिर डाल दिया इस पर। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, पेपर में ज़रूर आपसे पूछा जा सकता है। सवाल ये है कि फुल लोड पर कॉपर लॉस आपको दे रखा है, 75% पर पूछा है। दोस्तों याद रखें कि कॉपर लॉस भार के वर्गा अनुपात में परिवर्तित होता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 1600 का 75% निकाल देते हैं और उत्तर कर देते हैं 1200 वाट। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है 900 वाट, और मैं आपको ये एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि 900 वाट कैसे आए। दोस्तों इस तरह का प्रश्न जब भी आपके सामने हो कि फुल लोड पर एक ट्रांसफार्मर में आपको कॉपर लॉस दे रखा हो और किसी भी कम भार पर आपसे पूछा जाए, तो एक तरीका आप डायरेक्ट हिंट अपनी तरफ से याद रखिएगा। और ये डायरेक्ट हिंट ये है आपके सामने कि इस 1600 वाट को आप अब 1600 ओम प्रतिरोध भी समझ सकते हैं, क्योंकि पूर्ण भार पर हम धारा को इकाई मानते हैं, और अगर आप आर ज्ञात भी करेंगे तो 1600 ओम ही आएगा। यानी फुल लोड पर दी गई कॉपर लॉस को हमें वाइंडिंग का प्रतिरोध ही समझना है। दोस्तों जिस भार पर पूछा गया है, क्योंकि करंट जो होती है वो लोड से ही आती है, हम उसको भार धारा ही कहते हैं, तो उसी का आप धारा निकाल दीजिए। यानी 75% को आप हल करेंगे तो भार हो जाएगा 3/4। दोस्तों आप इस 3/4 को भार धारा ही समझिए, क्योंकि पहले हमने इकाई माना था, अब 3/4 है। यानी ये 3/4 आपके पास आई हो गया और ये 1600 ओम अपने पास आर है, तो हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है I2 R। दोस्तों आई हमने 3/4 माना है, क्योंकि 75% इन्होंने दिया था और 1600 ओम वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। पूर्ण भार पर जितनी हानि होती है उसको प्रतिरोध हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कैलकुलेशन एग्जैक्ट उत्तर आएगा। देखिए 3 की स्क्वेयर करेंगे दोस्तों 9 होगा, 4 की स्क्वेयर करेंगे 1600 होगा। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर आएगा 900 वाट। दोस्तों आपको प्रश्न का उत्तर करना है बी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सवाल संख्या 602 है कि एक डीसी मोटर की फुल लोड पर स्पीड 750 RPM है, यदि मोटर का गति रेगुलेशन 10% हो तो नो लोड पर मोटर की स्पीड कितनी होगी। दोस्तों स्पीड रेगुलेशन का मीन ये है कि नो लोड से लेकर फुल लोड तक मोटर की स्पीड में वेरिएशन 10% आता है। जब मोटर का फुल लोड पर स्पीड 750 RPM है, जिसमें कि 10% का रेगुलेशन इंक्लूड भी है, मतलब हमें ये यूँ कहना चाह रहा है कि ये जो 750 RPM है, ये 10% का रेगुलेशन का मतलब होता है नो लोड से फुल लोड तक गति में अंतर, मीन ये 750 RPM अब किसी संख्या का 90% है, तो ये किस संख्या का 90% है, फुल लोड पर वो स्पीड मोटर की आ जाएगी। यानी हमें 750 का 90% निकालना है। तो दोस्तों इसके लिए होता है कि मान लीजिए 750 किस का 90% है, हमें ये निकालना है। तो मान लीजिए कि वो 90% जो है वो x का है, तो कैलकुलेशन करेंगे 90/100 × x,
और ये उत्तर कितना आना चाहिए, 750। दोस्तों जब x का मान अपन ज्ञात करेंगे तो ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि इस 90 से हम उसको डिवाइड करेंगे। कैलकुलेशन करके आप अपने उत्तर का मिलान जरूर करें। दोस्तों प्रश्न का उत्तर आएगा बी, 850 आरपीएम। वैसे इस प्रश्न का उत्तर आएगा 833 आरपीएम जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन 10% का रेगुलेशन इंक्लूड करते हुए हम माने तो स्पीड लगभग 850 आरपीएम होगी। तो आपको प्रश्न का उत्तर बी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिपथ में कुल शक्ति वे 12 वाट है, 4 एक समान मान के प्रतिरोधक इस परिपथ में सीरीज में संयोजित है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक में पावर कंजप्शन कितनी कितनी होगी। दोस्तों याद रखें कि कुल शक्ति जो होती है वो सीरीज हो या समांतर, वास्तविक शक्ति जो कंज्यूम होती है उन सब के योग के बराबर होता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि चारों एक समान है, इसलिए कुल शक्ति 4 × P हो जाएगा, मतलब प्रत्येक की जो पावर है उसको एक को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। दोस्तों टोटल 12 वाट हो रहा है और 4 है, इसका मतलब प्रत्येक जो है वो 3-3 वाट का है। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, 3 वाट प्रत्येक का मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 पोल लेप वाउंड जनरेटर में 300 चालक है, प्रति चालक प्रेरित ईएमएफ का मान 5 वोल्ट है, तो कुल ईएमएफ का मान कितना होगा। दोस्तों लेप वाउंड है, इसका मतलब एक तरह से ये समांतर सर्किट होगा, ध्यान रखिएगा। समांतर सर्किट में क्या होगा कि ये जो 6 पोल है ये अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं और ईएमएफ के लिए एक तरह से 3 समांतर सोर्स की भांति काम करेंगे, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि 2 पोल मिलकर के हमारे लिए ईएमएफ का एक अपन को सप्लाई सोर्स की तरह काम करेंगे। तो कुल 300 चालक है, एक चालक में 5 वोल्ट बन रही है, तो यानी टोटल ईएमएफ 1500 वोल्ट जनरेट हुआ, लेकिन 6 पोल है तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे और अपने इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, 250 वोल्ट। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है कि चुंबकीय विरूपण प्रभाव का विपरीत प्रभाव है, यानी हमसे ये पूछा जा रहा है कि मैग्नेटो स्ट्रिक्शन जो इफेक्ट है इसका अपोजिट इफेक्ट क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है ए, विलारी इफेक्ट बोलते हैं। आप लोग इसे सर्च करेंगे तो एग्जैक्ट आपको इसका इंग्लिश शब्द ही है ये विलारी, आपको इंग्लिश में ही मिलेगा विलारी इफेक्ट। सवाल ये है कि आपसे इंग्लिश में जब प्रश्न पूछा जाए तो ये भी पूछा जा सकता है कि द कन्वर्स ऑफ मैग्नेटो स्ट्रिक्शन, तो आपको ऑप्शन करना है विलारी इफेक्ट। दोस्तों सबसे पहले तो यही देखेंगे कि ये चुंबकीय विरूपण क्या होता है। दोस्तों चुंबकीय विरूपण होता है चुंबकीय क्षेत्र की एक समानता नष्ट हो जाना, चुंबकीय क्षेत्र का विरोध होना, या फिर यूँ कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं का बिखर जाना। अब सवाल यह है कि इनका अपोजिट क्या होता है। इनके अपोजिट इस प्रभाव का नाम है विलारी इफेक्ट, और ये पदार्थ पर लगने वाले दबाव से संबंधित है, हम यूँ कह सकते हैं। दोस्तों ये पदार्थ का एक हम कह सकते हैं कि अनुदैर्ध्य तिरछापन या लॉन्गिट्यूडल जिसको अपन बोलते हैं, उस परिवर्तन के संदर्भ में होता है ये, यानी किसी मटेरियल का आरोपित बल की दिशा में जो चुंबकीय परमेबिलिटी में विस्तार होता है या चुंबकीय परमेबिलिटी में परिवर्तन होता है उसको विलारी प्रभाव कहा जाता है। अगर अपन मैकेनिकल स्ट्रेस के संबंध में समझे इसको, यांत्रिक दबाव के संदर्भ में समझे इसको, तो ये किसी पदार्थ की ससेप्टिबिलिटी के परिवर्तन को संकेत करता है। जो ससेप्टिबिलिटी किसी परिवर्तन होगा उस पदार्थ में, ये उस मैकेनिकल को संकेत करता है। तो अपने इस प्रश्न का उत्तर रहेगा ए, विलारी प्रभाव। दोस्तों क्यूरी प्रभाव होता है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का मैक्सिमम तापमान के बाद में जो पैरामैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी चुंबकशीलता घट जाती है ताप बढ़ने पर, तो ये क्यूरी प्रभाव के नाम से जाना जाता है। स्किन इफेक्ट, चालक सतह पर धारा ऊपरी ओर अधिकतम चलने का प्रयास करती है, और सीबेक प्रभाव जो पिजो इलेक्ट्रिक ईएमएफ का होता है वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेसिस मोटर के रोटर में होना चाहिए। दोस्तों ये एक प्रकार के सिंक्रोनस मोटर का प्रकार है और इसके रोटर पर कोई वाइंडिंग नहीं होती है। रोटर पूरी तरह से कठोर स्टील का बनता है या कठोर क्रोमियम स्टील का भी हो सकता है।
यानी रोटर पूर्णतः हार्ड होता है और ये स्ट्रेसिस हानि के सिद्धांत पर ही काम करती है। मोटर में स्ट्रेसिस हानि जितनी अधिक होती है उसमें हानि जो पावर के रूप में वह हो रही है हम उसको टॉर्क के रूप में कन्वर्ट करा लेते हैं। इसलिए स्ट्रेसिस हानि जो है ये पदार्थ में अवशिष्ट चुंबकत्व पर निर्भर करती है। पदार्थ में अवशिष्ट चुंबकत्व जितना मैक्सिमम होगा स्ट्रेसिस हानि अधिकतम होगी और मोटर का टॉर्क उतना ही बेटर होगा। इसलिए स्ट्रेसिस मोटर के लिए ऐसे रोटर का चयन किया जाता है जिसकी रिटेंटिविटी उच्चतम हो। रिटेंटिविटी को हिंदी में बोलते हैं धारण क्षमता, यानी धारण क्षमता अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग इंसुलेटर में 100% दक्षता का आशय क्या है, यानी एक जो ओवरहेड लाइन में EHV लाइन कह सकते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें लगने वाले इंसुलेटर को अपन स्ट्रिंग इंसुलेटर बोलते हैं। उस इंसुलेटर की एफिशिएंसी 100% है तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये लाइन में मान लीजिए कि ऊपरी हिस्से का टावर है और यहाँ पर ये आप समझ लीजिए कि ऐसे डिस्क लगी रहती है, तो लाइन के ऊपरी हिस्से में लगने के बाद में जब ऐसे डिस्क लगी रहती है तो इन प्रत्येक डिस्क में फिर नीचे यहाँ तार होता है, ये मान लीजिए टावर है, इस टावर के बाद में नीचे वो वायर है, तो प्रत्येक डिस्क पर पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होती है और वो होती है इसकी कैपेसिटी के कारण, लाइन की कैपेसिटी के कारण, इंसुलेटर की कैपेसिटी के कारण प्रत्येक डिस्क पर वोल्टेज का मान भिन्न भिन्न होता है। इसलिए एक स्ट्रिंग इंसुलेटर की एफिशिएंसी 100% नहीं मानी जाती। तो 100% एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि इसकी कैपेसिटी से प्रभावित हुए बिना प्रत्येक डिस्क पर एक समान पोटेंशियल अगर होता है तो वो 100% एफिशिएंट माना जाता है। प्रश्न का उत्तर आपको सी करना है कि प्रत्येक डिस्क पर एक समान अगर विभव है तो इंसुलेटर की एफिशिएंसी 100% हो। और दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से वो संयोजित है, इस समय 50 वाट का एडी करंट लॉस है, यदि हम सप्लाई 330 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 75 हर्ट्ज कर दें तो एडी करंट हानि का मान क्या होगा। दोस्तों याद रखें कि हम वोल्टेज को भी इंक्रीज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ हम वोल्टेज भी परिवर्तन कर रहे हैं। ये फ्रीक्वेंसी के वर्गानुपात में केवल हम तब बढ़ा सकते हैं जब अकेले फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन हो, अन्य कारक समान रखे जाएं। अब अगर अपन देखें तो वोल्टेज बढ़ाए यानी फ्लक्स में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ होगा, तो दोस्तों इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ। इसके लिए फॉर्मूला रहता है कि एडी करंट लॉसेज नंबर 2 अपॉन एडी करंट लॉसेज नंबर 1, यानी जो बाद में हो रहा है वो बटे पहले हो रहा था वो, और फ्रीक्वेंसी नंबर 2 अपॉन फ्रीक्वेंसी नंबर 1 और इसकी आपको स्क्वायर करनी है, यानी बाद में जिस लॉस पर पूछा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, जिस लॉस को दे रखा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी और उसका वर्ग कर सकते हैं हम, तो उत्तर अपने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों अगर अपन इसमें P2 कैलकुलेट करेंगे तो P1 यहाँ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हमें एडी करंट हानि ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला मिला है और फॉर्मूला ये है कि फ्रीक्वेंसी 2 यानी बाद वाली फ्रीक्वेंसी जिस पर लॉस पूछा गया है बटे फ्रीक्वेंसी 1 जिस पर लॉस दिया गया है इसका स्क्वेयर करना है इनटू पावर 1 यानी पहले का जो लॉसेज आपको दे रखा है। देखिए हमें यहाँ पर 75 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेट करना है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे हमें दे रखा था, इसकी स्क्वेयर करेंगे और पहले एडी करंट हानि कितनी हो रही है 50 वाट, इसको कैलकुलेशन करेंगे। दोस्तों कैलकुलेट करके अपने प्रश्न का उत्तर का मिलान जरूर करें, अपने इस प्रश्न का उत्तर आएगा ए 112.5 वाट। आपको इस प्रश्न का उत्तर करना है ए, कैसे आया इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, ट्रिक बताई है, आप संख्याएं उसमें रखें और प्रश्न को हल करके उत्तर का मिलान जरूर करें। दोस्तों अगला प्रश्न है कि इसके प्रयोग द्वारा एक थायरिस्टर की ओवर वोल्टेज से रक्षा की जा सकती है। दोस्तों याद रखें थायरिस्टर को ओवर वोल्टेज से जब केवल प्रोटेक्शन देना हो तो इसके लिए एक डिवाइस लगती है और इसका नाम है वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस। इसमें आपका लीनियर डिवाइसेज आती है, ये आपका रजिस्टर युक्त परिपथ भी हो सकता है,
यानी रैखिक युक्तियाँ इसमें आती है, वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस इसको अपन बोलते हैं। दोस्तों याद रखें, स्नैपर सर्किट का अभी थोड़े दिन पहले आपने एक प्रश्न पढ़ा होगा, ये भी अच्छा है। ये स्नैपर नहीं, जब SCR के बारे में जब पूछा जाए तो आपको स्नैपर सर्किट का भी करना है, लेकिन याद रखें कि ये स्नैपर सर्किट केवल ओवर वोल्टेज से ही रक्षा नहीं करता, ये ओवर करंट से भी रक्षा करता है। वोल्टेज के मान में क्षणिक परिवर्तन जो होते हैं उनसे प्रोटेक्शन देता है, यानी मोस्टली स्नैपर सर्किट जो है ये किसी परिपथ के वोल्टेज के मान में या इंडक्टेंस से होने वाले परिवर्तनों का जो विरोध है वहाँ अपन को प्रोटेक्शन देता है। और जो हीट सिंक होता है ये थर्मल रन अवे से बचाव के लिए होता है, फ्यूज धारा के लिए सुरक्षा युक्ति का कार्य करती है। यानी अभी अपने प्रश्न का उत्तर डी, वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉजिक गेट में ट्रू टेबल क्या संकेत करती है। दोस्तों हम लॉजिक गेट जैसे एंड गेट, नोट गेट और गेट हल करते हैं तो इनका ट्रू टेबल बनाते हैं कि यदि इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या होगा, इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगा। जैसे ये नोट गेट की ट्रू टेबल है, तो ये हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं इस ट्रू टेबल से, ये जो भी हम एक्सप्लेन करते हैं इसको बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन, हिंदी में बोलते हैं बुलियन व्यंजक। तो ट्रू टेबल से हमें ये पता लग जाता है कि बुलियन एक्सप्रेशन कैसा है। एक्सप्रेशन मीन इनपुट ये हो तो आउटपुट क्या होगा। अभी अपने प्रश्न का उत्तर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो प्रत्येक हेक्साडेसिमल के लिए कितने बिट प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों हेक्साडेसिमल से बाइनरी जब भी बनानी हो तो एक तो ये ध्यान रखें कि हम दाईं ओर से चलते हैं, दाईं ओर बोलें तो राइट साइड से चलना होता है हमें, और चार चार बिट का समूह बनाना पड़ता है। अपने प्रश्न का उत्तर होगा डी, यानी कि संख्याएं इस तरह से आपने कन्वर्ट कर दी कि जिनमें चार बाइनरी बिट नहीं बन रहे थे तो फिर हमें अपनी तरफ से 2 जीरो लगानी है, लेकिन संख्याएं बाइनरी करते समय पूरी कंप्लीट 4 बिट की होनी आवश्यक है। इसी तरह से यदि ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 3-3 बिट का समूह बनाया जाता है। अभी अपने प्रश्न का उत्तर डी रहेगा। अगर ऑक्टल के बारे में पूछा होता तो प्रश्न का उत्तर होता सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सिंगल चालक में डिजिटल सिग्नल के डेटा कैसे ट्रांसमिट किए जाते हैं। दोस्तों सिंगल चालक का मतलब ये है कि केवल एकल कंडक्टर अपन यूज कर रहे हैं जिसमें डेटा जा रहे हैं। तो याद रखें यहाँ पर दूसरे चालक के रूप में ग्राउंड या अर्थ का उपयोग किया जाता है, यानी ग्राउंड जो है वो सेकंड वायर के रूप में काम करता है, लेकिन यहाँ डेटा ट्रांसमिशन जो रहता है वो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के नाम से जाने जाते हैं, अपन सीरीज बोल सकते हैं इनको, यानी डेटा श्रेणी क्रम में भेजे जाते हैं। प्रश्न का उत्तर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि थायरिस्टर की होल्डिंग करंट 2 mA हो तो लेचिंग धारा का मान कितना होगा। दोस्तों लेचिंग करंट होल्डिंग धारा से कुछ अधिक होती है, ये थायरिस्टर में 3 जंक्शन होते हैं। मान लीजिए हम SCR की बात करें तो J1 और J3 जब फॉरवर्ड बायस में होते हैं तो जंक्शन J2 रिवर्स बायस में होता है। SCR में 3 जंक्शन होते हैं, इस J2 पर गेट सिरा निकलता है और यहाँ पर हमें एक वोल्टेज आरोपित करके इस J2 को ब्रेक डाउन करना होता है और एनोड से कैथोड यानी जंक्शन 1 से 3 की ओर धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। इस कंडीशन के लिए जो धारा चलती है इसको अपन होल्डिंग धारा कहते हैं। इसको पोजीशन बनाए रखने के लिए जिस धारा का नाम है वो होती है लेचिंग धारा। ये लेचिंग धारा इस होल्डिंग धारा की सामान्यतः 2 से 3 गुना अधिक रखी जाती है। दोस्तों अब 2 mA के अगर अपन 2 गुना या 3 गुना के बारे में बात करें तो अपना उत्तर आएगा 0.004 एम्पियर या 0.006 एम्पियर। तो 006 का ऑप्शन तो है नहीं, 004 का है, तो अपन प्रश्न का उत्तर करेंगे डी, 0.004 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्टेप अप चॉपर सर्किट की, इनपुट वोल्टेज 110 वोल्ट और आउटपुट वोल्टेज 150 वोल्ट है, इसका ड्यूटी साइकिल का मान कितना होगा। दोस्तों चॉपर सर्किट DC सप्लाई में वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए लगता है, स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए लगता है। और इस चॉपर सर्किट में अगर अपन बात करें ड्यूटी साइकिल के लिए तो ड्यूटी साइकिल को अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है।
दोस्तों चॉपर सर्किट में आउटपुट डीसी वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है और सूत्र ये होता है कि ई जीरो बराबर ई डीसी बटे एक माइनस अल्फा, यानी ई जीरो का मतलब है ई आउटपुट बोल सकते हैं अपन या ई ओ लिख सकते हैं, यानी आउटपुट जो वोल्टेज है वो इनपुट डीसी वोल्टेज के एक माइनस अल्फा के बराबर होती है। अब अपने यहाँ पर अगर अपन बात करें आउटपुट की तो 150 वोल्ट है, इनपुट 110 वोल्ट है बटे एक माइनस अल्फा, तिरछा मल्टीप्लाई अपन इसको करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा कि 150 माइनस 150 अल्फा इक्वल टू 110 वोल्ट। यदि हम बात करें कि माइनस 150 अल्फा और इस 110 में से वो 150 ट्रांसफ़र करने के बाद आएगा तो माइनस का, यानी अपने पास ये हो गया कि माइनस 150 अल्फा बराबर माइनस का 40। माइनस से माइनस कट जाएगा, जब अल्फा का मान यानी ड्यूटी साइकिल का मान आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अपने पास आएगा 40/150। दोस्तों हल करके अपने उत्तर का मिलान ज़रूर करें। अपने इस प्रश्न का उत्तर रहेगा ए 0.26, यानी ड्यूटी साइकिल का मान 0.26 है। आपको फॉर्मूला एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। फॉर्मूला रहता है कि आउटपुट वोल्टेज बराबर इनपुट डीसी बटे एक माइनस ड्यूटी साइकिल। इस फॉर्मूले में संख्याएं रख करके आप अपने उत्तर का मिलान ज़रूर करें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थायरिस्टर के टर्न ऑफ की समय अवधि लगभग कितनी है? बहुत कम होती है, शॉर्ट टाइम में एक थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाता है और ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखें। प्रश्न का उत्तर है सी, 3 से 100 माइक्रोसेकेंड टर्न ऑफ का समय रहता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर हैमरिंग निम्न में से किस में उत्पन्न होगी? दोस्तों वाटर हैमरिंग का मतलब ये है कि अचानक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या अचानक प्रेशर बहुत कम हो जाना, यानी वैक्यूम क्रिएट हो जाना। हाइड्रल पावर प्लांट से संबंधित प्रश्न है ये, और वाटर हैमरिंग जो है ये पेन स्ट्रोक में सर्वाधिक होती है। सर्ज टैंक जो है इनके पास में स्लाइस गेट लगते हैं और ये स्लाइस गेट ऑटो गेट होते हैं, ये पानी के प्रेशर या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ओपन क्लोज होते रहते हैं। तो पेन स्ट्रोक में जो वाटर हैमरिंग होती है तो ऑटो स्लाइस गेट ओपन हो जाते हैं और एक्स्ट्रा पानी जितना भी होता है वो इस सर्ज टैंक में वापस भी आ जाता है। दोस्तों प्रश्न का उत्तर ए रहेगा, पेन स्ट्रोक। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, एक सिमेट्रिकल वेव फॉर्म के लिए पूरे चक्र का औसत मान कितना होता है? देखो सिमेट्रिकल वेव फॉर्म को आप यहाँ पर साइन वेव ही समझें, क्योंकि ये साइन वेव से ही सिमेट्रिकल शब्द निकलता है। अगर अपन बात करें कि एवरेज वैल्यू की, तो हम सब जानते हैं कि साइन वेव में फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है और सेकंड हाफ साइकिल नेगेटिव। इसलिए फर्स्ट हाफ साइकिल की जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव और सेकंड हाफ साइकिल की जो भी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट होगी वो नेगेटिव। इसलिए एक कंप्लीट साइकिल की एवरेज वैल्यू हमेशा जीरो होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर अपने ए होगा, जीरो। वैसे याद रखें कि हम गणनाओं में पॉजिटिव हाफ साइकिल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और साइन वेव एसी के लिए ये वैल्यू 0.637 रखी जाती है। अगला जो प्रश्न अपना है वो है कि ईएचवी ट्रांसमिशन लाइन में एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उनमें बंडल्ड चालक हम क्यों काम में लेते हैं? दोस्तों इससे चालकता बढ़ जाती है, स्किन इफेक्ट कम हो जाता है, लाइन मैकेनिकल रूप से मजबूत हो जाती है। अभी अपना जो प्रश्न है वो ये पूछ रहे हैं कि इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस जो लाइन का होता है वो कैसे प्रभावित होता है। दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन में 4 पैरामीटर होते हैं, लाइन का रेजिस्टेंस, लाइन का इंडक्टेंस, लाइन की कैपेसिटी और इसके अलावा चौथा जो कारक है वो कहलाता है संट कंडक्टेंस। यानी अपन बात करें इंडक्टेंस कैपेसिटेंस में, तो याद रखना कि कैपेसिटेंस जो है वो लाइन की लंबाई पर निर्भर करता है, इसलिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटिव प्रभाव को नगण्य मानते हैं, जबकि लॉन्ग और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से फेरेंटी इफेक्ट भी आता है। अब रही बात ये चालकों के बारे में, तो चालकों का सिंगल चालक लूप या बंडल्ड चालक अगर हो
तो वो लाइन की इंडक्टेंस को प्रभावित करते हैं, और बंडल्ड के रूप में जब भी होते हैं तो वो एक दूसरे की इंडक्टेंस को न्यूट्रलाइज करते हैं, जिससे लाइन का इंडक्टेंस कम हो जाता है। यानी बंडल चालक लाइन के इंडक्टेंस को घटाते हैं। अपने इस प्रश्न का उत्तर सी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चालकता के दृष्टिकोण से कॉपर की कौन सी किस्म सबसे अधिक उत्तम मानी जाती है। तो चालकता के रूप में जो शुद्ध तांबा होता है उसकी सर्वाधिक मानी जाती है, और यह है प्योर एनिल्ड कॉपर। प्योर एनिल्ड कॉपर है, ऊष्मा उपचार की एक प्रक्रिया होती है जिसको एनिलिंग प्रक्रिया बोलते हैं। हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनिलिंग, कई प्रकार की उसमें प्रक्रियाएं होती है, लेकिन एनिलिंग प्रक्रिया किसी पदार्थ को शुद्ध रूप में लाते हैं और कमरे के ताप पर इसको ठंडा किया जाता है। तो अपने इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, शुद्ध एनिल्ड कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्वाइल 30 वोल्ट डीसी सप्लाई से जब संयोजित है तो ये 300 वाट की शक्ति खपत करती है। यदि इसे 30 वोल्ट एसी से संयोजित कर दिया जाए तो पावर कंजप्शन 108 वाट ही होता है। क्वाइल का रिएक्टेंस कितना है? इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करना है दोस्तों। सवाल ये है कि जब क्वाइल डीसी पर है, देखो डीसी पर जब भी क्वाइल काम करेगी तो सिंपल सी बात है कि क्वाइल का केबल और केबल रेजिस्टेंस काम करता है, वहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं था। इसलिए डीसी पर हम शुद्ध प्रतिरोध की गणना आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमें डीसी में पी और वी दे रखा है। आर बराबर वी स्क्वेयर अपॉन पी करेंगे, यानी वोल्टेज का वर्ग बटे पावर। 30 वोल्ट जब हम सप्लाई देते हैं तो पावर का कंजप्शन 300 वाट होता है। दोस्तों कैलकुलेशन करेंगे तो अपने इस प्रश्न का उत्तर आएगा 3 ओम। यानी रेजिस्टेंस जो है वो कितना है? 3 ओम। अब देखो रेजिस्टेंस अगर कॉइल को एसी पे लगाओ डीसी पे लगाओ वो हर बार सेम रहता है, यानी इस कॉइल का रेजिस्टेंस 3 ओम है, तो डीसी पर भी 3 ओम होगा, एसी पर भी 3 ओम होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो डीसी पर 0 और एसी पर 2πfLC जितना भी आता है वो होता है। अब हम इस प्रतिरोध का और जो एसी में 108 वाट का पावर कंजप्शन हो रहा है उपयोग करते हुए हम इस सर्किट की करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों धारा ज्ञात करने के लिए पी बटे आर और इन दोनों का अंडररूट ये सूत्र हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पी बराबर आई स्क्वायर इंटू आर कॉपर लॉस ज्ञात करने का सूत्र रहता है, और ये एसी डीसी किसी से भी प्रभावित नहीं होता है। डीसी जनरेटर हो या डीसी की मोटर, एसी जनरेटर हो या ट्रांसफार्मर, सब में कॉपर लॉस पी बराबर आई स्क्वायर इंटू आर से ही कैलकुलेट होता है। तो इस फॉर्मूले से अपन सर्किट की करंट पता जरूर कर सकते हैं। देखो पावर कंजप्शन हो रहा है 108 वाट, रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था वो आया था 3 ओम, इन दोनों का अंडररूट अपन करेंगे। दोस्तों इसको अगर पहले सॉल्व कर लेते हैं तो यह आएगा 36 का अंडररूट आप निकालते हैं तो 6 एम्पियर करंट आएगी, यानी हमें सर्किट की धारा मिल गई 6 एम्पियर। अब देखो ये धारा अगर रेजिस्टेंस की 6 एम्पियर है तो सीरीज सर्किट है, परिपथ की कुल धारा भी इतनी मानी जाएगी, यानी सर्किट की हमारे पास आर जो है वो वैल्यू 3 ओम आई और धारा जो अपने पास आई एसी में वो 6 एम्पियर। देखो इस करंट का उपयोग करते हुए एसी में आपको जेड ज्ञात करना पड़ेगा वी बटे आई से, और वोल्टेज का मान 3 वोल्ट है, सर्किट की धारा 6 एम्पियर है, इम्पिडेंस कितना आया 5। देखिए दोस्तों जब जेड और आर हमें मिल गया तो एक्सएल की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर जेड स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर करना है, इन दोनों का रूट करना है। देखिए जेड का मान 5 है, स्क्वेयर करेंगे 25 हो जाएगा, आर का मान अपने पास 3 आया, स्क्वेयर करेंगे तो 9 हो जाएगा। जब आप इन दोनों में से घटाएंगे तो ये रह जाएगा आपका 16, और 16 का अंडर रूट निकालेंगे तो 4, यानी अपने इस प्रश्न का उत्तर आएगा 4 ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है? 4 ओम। हमें प्रश्न का उत्तर करना है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समांतर परिपथ जब रेजोनेंस होता है तो एडमिटेंस किसके बराबर होगा। दोस्तों जब भी परिपथ रेजोनेंस हो जाता है तो उसमें जेड और आर की वैल्यू बराबर आ जाती है, यानी प्रतिबाधा इम्पिडेंस वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है। तो सीधी सी बात है कि इस समय परिपथ का जो एडमिटेंस होगा वो उसकी कंडक्टेंस के बराबर रह जाता है। प्रश्न का उत्तर आपको ए करना है।
दोस्तों अगला प्रश्न है, एक वोल्ट मीटर में 0 से 250 वोल्ट का वो है, वोल्ट मीटर का रेंज, 2% की उसमें इंडिकेटेड एरर है जो FSD पर है, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन जब वो रीडिंग देता है। यदि 150 वोल्ट नापने के लिए इसे उपयोग किया जाए तो एरर कितना होगा, यानी वोल्ट मीटर की रेंज यानी FSD फुल स्केल मापन दे रखा है, गारंटीड एक्यूरेसी हमें दे रखी है 2% और 150 वोल्ट हमें मापना है, तो इस समय इसका मान कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों, इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है कि फुल स्केल की रीडिंग कितनी है, जैसे अपने इस प्रश्न में है 250 वोल्ट, उसमें आपको भाग देना है मेजर्ड वैल्यू का, यानी मापित मान कितना है, जैसे अपने इस प्रश्न में है 150 वोल्ट, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है एक्यूरेसी ऑफ FSD, यानी फुल स्केल पर त्रुटि या एक्यूरेसी कितनी दर्शा रखी है, तो वो 2%। यानी कैलकुलेशन के लिए अपने पास आंकड़ा ये आया कि 250 बटे 150 × 2, इसको कैलकुलेट करके आप अपने उत्तर का मिलान ज़रूर करें। दोस्तों अपने प्रश्न का उत्तर आएगा बी, 3.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर किसी पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक लॉस, तो डाइलेक्ट्रिक लॉस फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक हानि घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिरोध का मापित मान 10.25 ओम है जबकि वास्तविक मान 10.22 ओम है, सापेक्ष त्रुटि कितनी है। देखो 10.25 माप दिया जबकि एक्चुअल में 10.22 था, तो एरर कितना आया 0.03 ओम का है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ACSR तार में क्या होता है, सभी चालक एल्युमिनियम के होते हैं, केवल बाहरी चालक एल्युमिनियम के होते हैं, केवल आंतरिक चालक एल्युमिनियम के होते हैं, या कोई भी चालक एल्युमिनियम का नहीं होता है। दोस्तों ACSR तार का पूरा नाम होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, यानी एल्युमिनियम जो होता है वो चालक के रूप में होता है, इनके बीच में स्टील की तार एक होती है जो यांत्रिक मजबूती प्रदान करती है। तो सिंपल चीज़ है, वो जो स्टील की GI की वायर होती है वो बीच में होती है और इसके ऊपर स्ट्रैंडेड एल्युमिनियम के पतले पतले तार होते हैं, तो बाहरी चालक एल्युमिनियम के होते हैं या ऊपरी चालक एल्युमिनियम के होते हैं। अपने इस प्रश्न का उत्तर बी रहेगा।